ओडिशारे बीजेडी सह बीजेपी रो मेंटो हेबो नाही। केंद्र गृहमंत्री अमित शाहक ओडिशा गस्त पर बीजेडी बीजेपी मेंटो चर्चा बढ़ुवा बेले केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री अर्जुन मुंडा एभली प्रतिक्रिया रखिंट केन्द्र सरकार सब् राज्य में विकास हो सब् राज्य मिसी कम करने प्रयास जारी रखिंट सरकार काम संगठन काम अलग संगठन निज ढंग से निर्वाचन लड़े आउ रणनीति कै संगठन केवे सरकार जरिया कौन रणनीति कैनी मेट है कौन कथा ना एवं ना कि आगक भी हेनी बोली लगुच राज्य में बीजेपी स्थिति बहुत भल अच्छी 2024 निर्वाचन में ओडिशा भल प्रदर्शन करजेपी गत काली केंद्रमंत्री भूपेन्द्र यादव मध्य ओडिशा रे बीजेपी एकाकी लड़िबो बोली कहिथिले। देखिए ऐसा है कि भारत सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि सभी राज्यों में प्रगति होना चाहिए, सभी राज्यों में अच्छे कार्य होने चाहिए और सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो ये सरकार का कामकाज है। संगठन का काम अलग है, संगठन अपने ढंग से चुनाव लड़ती है, स्ट्रेटेजी बनाती है। तो संगठन का विचार करने का फोरम ही ये नहीं है कि सरकार के माध्यम से हम कोई बात कहें। तो ये संगठन का विचारणीय विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है जो आपके मन में उपज रही है। नहीं, कोई ऐसा कोई इस तरह का विषय इस समय भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा ऐसा लगता है। इन अधिक सूचना देवा सीनियर करेस्पोंडेंट दुष्मंत बेहरा आम सहित फोन लाइन रहउछन्ति। दुष्मंत गत काली सुनिथिले केन्द्रमंत्री भूपेन्द्र यादव को बयान एवं एबे अर्जुन मुंडा को बयान सामना को आसुछि कोन संकेत देउछि? निश्चित भाव देखु वर्तमान समय रे दुईटी चर्चा राज्य राजनीति को एक प्रकार सरगरम कर रखी। गोटे हूँ विजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी मेंट और आगुआ निर्वाचन। गत काली जबली भाव में केन्द्रमंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव अश्विनी चौबे दुई दुई अलग अलग कंट्राडिक्ट कला भाया कथा रहिले। जोगिंद्र यादव भूपेन्द्र यादव गोटे कथा कही मेट कौन परिस्थित हेन और अश्विनी चौबे से गोटे कथा कहले आगक राजनीति में कौन हम ताबन एभली समय आज अर्जुन मुंडा जो भाव में बयान रखिंट आगुआ निर्वाचन ता सहित मेट को नहीं ता बर्तमान चर्चार खोराक जगह राज्य राजनीति में। देखो सीधा सड़क से दुईट कथा कही डिप्लोमेटिक वे रे कही गोटे हूँ संगठन कथा और सरकार कथा किंतु कौन परिस्थिति रे सीधा सड़क कौन केंद्रीय मंत्री कौन केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी नेता मैंने कौन स्पष्ट सूचना दौना जे वास्तविक भाव में विजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी मध्य गठबंधन हब किंतु कौटि ना कौटि गोटे चर्चा जोर धरी ये अमित शाह और मुख्यमंत्री नवीन को मध्य भेटघाट हवा रुद्ध द्वार बैठक हवा तापर यह राज्य राजनीति में जोड़ी भाव में आलोचना चलला ता बर्तमान चर्चार खराक जगह। आज सीधा सड़क अर्जुन मुंडा जो कथा कही केन्द्र सब ओडिशार विकास कथा कही गोटे संघीय व्यवस्था सहभागित योजना चलो संगठन अलग एवं सरकारी योजना अलग सरकारी योजना आधार में मिशुचु किंतु दुई पार्टी शीर्ष नेतृत्व जितेबाला भेटघाट हम रुद्ध द्वार बैठक हम एभली समय चर्चा हवा स्वाभाविक कथा एवं चर्चा यही हो विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन एनडीए को जो भाव में केन्द्र पार्लियामेंट रे केन्द्र सरकार को समर्थन कर विभिन्न बिल माध्यम प्रमुख विरोधी भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे किंतु कौनसी परिस्थिति रे ए दिगरे भारतीय जनता पार्टी राज्य नेतृत्व खंडन करुछंती केंद्रीय नेता एने स्पष्ट करुनांती किंतु गोटिए कथा कार्यकलाप रु जणा पड़ी जाउछी बा जेभली भाव रे केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी रो नेतृत्व और ओडिशा विजु जनता दल रो नेतांको मध्य रे जो सांठगांठ रही जो आलोचना पर्यालोचना चलती कौटि ना कौटि यह मेट आड़ को संकेत दूसरी अनेपटे आगुआ निर्वाचन नहीं चर्चा जोर धरती जे आगुआ निर्वाचन हब कि आगुआ निर्वाचन हेबा नहीं गोटे मेट करिपे कि विभिन्न चर्चा आलोचना जो कहले आगुआ निर्वाचन को लेकिन चर्चा अमित शाह गस्त पर चर्चा जोर धरी दुष्मंत बीजेडी बीजेपी मेंटो को नहीं जो चर्चा एवं परवर्ती समय जनक पर जने केन्द्रमंत्री बयान वर्तमान समय राज्य राजनीति को उष्म कर राजनैतिक महल में कौन प्रतिक्रिया सामना को आसुची?
ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଦୁଇ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସକ୍ରିୟତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଦୁଇ ଦଳର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହୁଏତ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ହୁଏତ ମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସଂକେତକୁ ନକାରି ଯାଇପାରେ ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଖରାପ ଯୋଗାଇଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି କଥା ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏହା ହିଁ ସଂକେତ ଦେଉଛି ହୁଏତ ମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ବିଲକୁଲ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରୁଛୁ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି।